नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। मध्य भारत का पहला डिजिटल प्रीपेड बूथ का लोकार्पण आज भोपाल में किया गया। महापौर आलोक शर्मा ने इस बूथ का लोकार्पण किया। इस बूथ के बनने से सभी ऑटो चालकों का डाटा स्टोर किया जा सकेगा और यात्रियों का विश्वास भी ऑटो चालकों पर बढ़ेगा। भोपाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और इस स्मार्ट सिटी के लिए ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हो ताकि व्यवस्थाओं का सरलीकरण हो सके। अगर राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाना है तो इसके लिए आवागमन की सुविधा को भी बेहतर करना होगा। इसी को देखते हुए प्रीपेड ऑटो बूथ का डिजिटलाइजेशन किया गया है। महापौर आलोक शर्मा ने आज मध्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल ऑटो प्रीपेड बूथ का लोकार्पण किया। इस बूथ के बनने से यात्रियों में ऑटो चालकों पर विश्वास बढ़ेगा क्योंकि इस डिजिटल प्रीपेड बूथ में किराया फिक्स होगा जिससे किसी तरह की मनमानी नहीं हो सकेगी। वहीं सभी ऑटो चालकों का डेटा कंप्यूटर में स्टोर होगा। यदि यात्रियों के साथ किसी तरह की दुर्घटना होती है और इसके लिए ऑटो चालक की जानकारी की जरूरत पड़ती है तो इस जानकारी को आसानी से हासिल किया जा सकेगा। भोपाल के ISBT पर प्रीपेड ऑटो बूथ का लोकार्पण हमने किया है। अब प्रीपेड ऑटो बूथ के माध्यम से भोपाल की जनता को और जो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे यात्री आते हैं या मेहमान आते हैं उनको बेहतर और व्यवस्थित सुविधा मिलेगी। ये प्रीपेड जो बूथ बनाए गए हैं ये पूरी तरीके से हाईटेक कंप्यूटराइज्ड है। इसमें कोई भी यात्री जैसे ही रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे उतरता है तो सबसे पहले उसके मन में सुरक्षा की भावना आती है कि मुझे भोपाल में आया हूँ, मुझे अरेरा कॉलोनी जाना है, ईदगाह हिल जाना है, कटारा हिल जाना है, कोलार जाना है। मैं समझता हूँ कि वो हमारे प्रीपेड ऑटो रिक्शा बूथ के ऊपर आएगा, वह उसको वहाँ से टिकट मिलेगा, ऑटो जो व्यक्ति ले जा रहा है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर भी अंकित रहेगा तो किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना भी नहीं घटेगी। वेल, प्रीपेड बूथ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किसी भी एक व्यक्ति को किसी भी स्थल से अपने गंतव्य स्थल पर जाने का जो जायज भाड़ा है वो जायज भाड़ा ही देना पड़े, उसमें कोई किसी की मनमानी रहे और बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए यदि 50 रुपये लगते हैं तो 50 रुपये ही लगे और उसी 50 रुपये में बूथ का जो संचालन करने वाले व्यक्ति का भी प्रॉफिट इंक्लूड होना चाहिए और ऑटो वाले का भी प्रॉफिट इंक्लूड होना चाहिए। जैसा कि आपकी जानकारी में होगा, RTO साहब के माध्यम से हम लोगों ने भोपाल में जो पेट्रोल डीजल के जो रेट्स होते हैं उसके संदर्भ में ऑटो वालों से और बस वालों के साथ में बैठ के पहले ही मीटिंग में तय कर लिया था कि स्टैंडर्ड पर किलोमीटर के रेट प्रॉफिट के साथ में उनके देने पर कितना बनेगा। प्रीपेड ऑटो बूथ के डिजिटल होने से ऑटो चालकों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सकेगी, साथ ही यात्रियों का सफर भी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल भोपाल के 2 ऑटो प्रीपेड बूथों को डिजिटल किया गया है। वहीं आने वाले समय में सभी प्रीपेड बूथों का डिजिटलाइजेशन करने की योजना है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।